कहता है हदीस की क्या जरूरत, हदीस नहीं है तो दीन की कोई बात इंसान समझ नहीं सकता। अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं, 558 रुकू हैं, किसी सूरत में अल्लाह ताला ने नमाज की वजाहत नहीं की। रुकू में क्या पढ़ेंगे, कियाम में क्या पढ़ेंगे, सजदे में कौन सी दुआएं हैं, तशहुद कैसे करना है, तवर्रुक के कौन से तरीके हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीरें कैसे कहते हैं, ये सारी तफसील हदीस के अंदर है। हदीस नहीं अगर कोई पढ़ता नमाज का मफहूम नहीं समझ सकता। कुछ लोगों के दिमागों में खन्नास होता, कहता अरबी आ गई तो दीन समझ आ गया, हदीस के बगैर दीन समझ नहीं आए। अरबी जुबान में तो नमाज के 18 माने हैं, सलात का माना घोड़सवारी भी है, सलात का माना तपाना भी है, और सलात का माना दुआ भी है। अगर सख्त सर्दी में कोई घोड़ा दौड़ा के आके ड्राई फ्रूट सामने रखे और हीटर के सामने बैठ के हाथ तपाए और कहे मैंने नमाज पढ़ ली है तो नमाज हो गई है? कैफियत है इसकी, तफसीलात हैं जो अल्लाह के रसूल ने करके दिखाई है। कुरान में तो कोई इसकी वजाहत नहीं। अतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो। किसकी ज़कात, कितनी ज़कात, कब ज़कात, कुरान ने कोई तफसील नहीं पेश की, ये अल्लाह के रसूल ने बताया। 7.5 तोले सोने के मालिक हो, साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात हो। 52.5 तोले चांदी होगी, साल गुजर जाए वो तुम्हारी मिल्कियत में, तब उसमें ज़कात होगी। तुम गाय भैंस के शौक रखते हो, 30 गाय होगी तो एक बछड़ा दूध पीने वाला, वो ज़कात होगी। 40 अगर होगी तो 2 साल का बच्चा तुम्हें देना पड़ेगा। 5 अगर ऊंट है तो एक बकरी ज़कात होगी, और तफसीलात पेश की। जमीन से अगर आपके अनाज निकलता है और आपके घर आता है तो उसमें से भी उशर देना पड़ेगा, तफसीलात हैं। आसमानी पानी से अगर जमीन ने ये अनाज उगाया है तो उसमें से क्या होगा, आपको उशर देना पड़ेगा। अगर आपने खुद पानी का बंदोबस्त किया है, उमा सुकी अभी नौकरी, तो आप उसमें निस्फुल उशर 20वां हिस्सा निकालेंगे। ये सारी तफसीलात हदीस पढ़ने के बगैर इंसान को पता नहीं चल सकता। 10 मिश्कीजे अगर आपने शहद इकट्ठा किया है, आपको फी कुल आशरति अज़ुक्न ज़िक्क़ुन, आपको एक मिश्कीजा जो है वो शहद बतौर ज़कात देना पड़े। कुरान में 114 सूरतें हैं, इसकी कोई तफसील कुरान में नहीं है। वलिल्लाहि अला नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, हज करो जिसके पास ताकत है। कैसे हज करें, उसके अरकान कौन से हैं, वाजिबात कौन से हैं, कैफियत क्या है, कितने चक्कर लगाएंगे, पहले 3 चक्करों में कैसे हमने चलना है पहलवानों की तरह, इस्तिबा क्या होता है, मिना में कितनी रातें गुजारनी है, अरफात में कब जाएंगे, कौन कौन सी दुआएं पढ़नी हैं, ये सारी तफसीलात कुरान मजीद के अंदर नहीं है, ये हदीस ने बयान की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खुद अन्नी मनासिककुम, आओ मुझसे हज के तरीके सीख लो। अल्लाह के रसूल ने सिखाए हैं, और आपका सिखाना हदीस। रोजे की बात, कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिब अलल लदीन मिन कबलिकुम, रोजा फर्ज किया गया है। रोजा किस चीज से टूटेगा, इसके आदाब क्या है, इफ्तारी की दुआ क्या है, आप सहरी में क्या खाते, इफ्तारी करवाने की रगबतें, ये सारी हदीस के अंदर है। कुरान में इसकी कोई तफसील नहीं है कि इसके आदाब ये है। इसलिए जब तक आप हदीस को नहीं पढ़ते, हदीस को नहीं सुनते, आप अरकाने इस्लाम को समझ ही नहीं सकते। सही बुखारी भी पढ़ के तो देखें। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हम सबको हदीस से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।